जैन साथियों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवाओं के साथ यह मजाक कब तक, युवाओं के कैरियर से यह खिलवाड़ आखिर कब तक? क्या फिर से सेना भर्तियों को कर दिया जाएगा पोस्टपोन? क्या बरेली सेना भर्ती को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है? सेना भर्ती समय पर नहीं हुई तो क्या युवाओं को मिलेगी उम्र में छूट? या साल 2020 की तरह इस बार भी सेना में जाने का सपना जाएगा टूट? साथियों, ऐसे ही और कई सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाल ही में ऐसी सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है जिसमें बरेली में 7 जून से शुरू होने वाली सेना भर्ती रैली को भी अब आगे बढ़ाए जाने की बातें सामने आ रही हैं। रैली को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, बाद में आप पता नहीं खबर का क्या क्या मतलब निकालते हैं, इसलिए मेरी बात को अभी ध्यान से सुन लें। हम यह कतई नहीं कह रहे कि सेना भर्ती फिर से पोस्टपोन हो गई है या होगी ही। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि पोस्टपोन करने को लेकर बहुत हल्की सी जानकारी हमें मिल रही है। आपको पता होगा कि 4 दिन पहले यह जानकारी भी हमने ही दी थी कि बरेली में 7 जून से सेना भर्ती होगी और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हमें यह जानकारी हमारे विश्वसनीय सूत्रों से मिली थी, लेकिन अब इसके बारे में हल्की सी जानकारी इस भर्ती को फिर से पोस्टपोन किए जाने को लेकर आ रही है। खैर, जो भी इस भर्ती को लेकर कंफर्म और फाइनल न्यूज होगी वो हम आपको 2 से 3 दिन में अवगत करा देंगे। आपको यह भी बता दें कि सेना भर्ती कराने को लेकर सेना का पूरा प्लान है, लेकिन राज्य सरकारें व जिला प्रशासन आखिरी समय में आकर कोई अड़ंगा लगा सकते हैं। हालांकि हमारी सैन्य अधिकारियों से भी बात हुई है तो उन्होंने हमें 2-4 दिन में स्थिति साफ होने की बात कही है और इसके बाद जैसे ही हमें इस संबंध में कन्फर्म देखिए साथियों, जो खबर अभी हमें मिल रही है उसको देखते हुए हम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार व मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पूर्व में ही यह अवगत कराते हुए अपील करते हैं कि यदि इस बार कोरोना के कारण सेना भर्ती रैली में देरी होती है और युवा ओवर एज हो जाते हैं तो उन युवाओं को हर हाल में उम्र में छूट दी जाए, क्योंकि इससे पहले साल 2020 में एन वक्त पर आकर सेना भर्ती रैलियों को रद्द कर दिया गया था और युवाओं का जो सेना में जाने का सपना था उसे चकनाचूर कर दिया था। इन युवाओं ने उम्र में छूट को लेकर खूब फरियाद की, खूब धरना प्रदर्शन किए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा और युवाओं के इस सपने को कुचल दिया गया। इसलिए हम सरकारों से पहले ही मांग करते हैं कि अगर इस बार किसी भी कारण सेना भर्ती रैली में देरी कराई जाती है और यदि युवा ओवर एज होते हैं तो उन्हें हर हाल में उम्र में छूट दी जाए। और साथियों, हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि उम्र में छूट की मांग को लेकर अगर मुद्दा उठाना पड़ा तो हम ट्विटर पर इसको लेकर मांग उठाएंगे। इसलिए जिन साथियों ने अभी तक भी हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वो साथी अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके हमें ट्विटर पर फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि हम ट्विटर के माध्यम से आपको सेना भर्ती से जुड़ी जानकारियां भी देते रहेंगे। इसके अलावा साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको इनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज डी न्यूज भारत को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई खबर के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।